शब्द माना जाएगा। अगला है पढ़ो या जाओ। अब इसमें ये जो शब्द है ये पढ़ो और जाओ शब्द इन दोनों शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसी कारण से ये शब्द इसमें क्या माना जाएगा, अविकारी शब्द। और कौन सा भेद माना जाएगा, समुच्चय बोधक अविकारी भाग माना जाएगा। अगला है नंबर चार विस्मयादि बोधक के अव्यय शब्द, विस्मयादि बोधक के अव्यय शब्द, विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द जिन अव्यय शब्दों से जिन अव्यय शब्दों से हर्ष शोक गणना विस्मय खुशी कष्ट आश्चर्य आदि के भाव उत्पन्न होते हैं। उन्हें विस्मयादि बोधक के अव्यय शब्द कहा जाता है, उन्हीं शब्दों को क्या कहा जाता है, विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द कहा जाता है। विस्मयादि बोधक के अविकारी शब्द कहा जाता है, उन्हीं शब्दों को विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द कहा जाता है। जैसे जैसे आह हम मेच जीत गए, आहा हम मैच जीत गए। अब इसमें ये जो शब्द है आहा शब्द ये अविकारी शब्द है और कौन सा अविकारी है, विस्मयादि बोधक के अविकारी शब्द है क्योंकि हमने इसमें विस्मय प्रकट किया है, आश्चर्य प्रकट किया है। आगे है कुछ विस्मयादि बोधक के शब्द, ये जो शब्द है वो विस्मय प्रकट आश्चर्य प्रकट करने के लिए या काम में लिए जाते हैं। जैसे अहो कोमा लगाते जाना साथ में, अहो हे ओ है ए आर अरे ए आर अरे आहा
आ है हाय हाय रे शाबाश धन्य हाय राम 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 बाप रे मैया रे ची हट दत्त दूर थू दिक अच्छा अच्छा रे हाँ अच्छा जी बहुत खेल जरूर अरे ओ आदि ये कुछ जो शब्द है वो विस्मयादिबोधक शब्द माने जाते हैं। ये कुछ शब्द है जो हमारे विस्मयादिबोधक शब्दों की तरह काम में आते हैं। बोधक के ये सारे के सारे जो शब्द है अविकारी शब्द है अभी शब्द है इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है विस्मयादिबोधक अविकारी शब्द माना जाता है। धन्यवाद बच्चों।